हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं हॉट ऑयल ट्रीटमेंट। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल लिया है। ये थोड़ा गाढ़ा है, अभी विंटर चल रहा है तो ऑयल थोड़ा गाढ़ा ही रहता है कोकोनट ऑयल। अगर ये मेल्ट हो जाएगा तो इसका 2 टेबल स्पून होगा। और ये देख सकते हैं, मैंने कैस्टर ऑयल लिया है। कैस्टर ऑयल आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो इसका रेशियो जो होगा वो 1:2:1 होगा। अगर आप 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल ले रहे हैं तो 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल। अगर आप 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल ले रहे हैं तो 1/2 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल लेना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है। अभी आता है इसका मेन पार्ट, आपको इसे गरम करना है। गरम करने के लिए आप माइक्रोवेव यूज़ कर सकते हैं या फिर डबल बॉइलिंग प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट हीट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप डबल बॉइलिंग सिस्टम में ही इसे गर्म कीजिए। तो इसे गर्म करके आप अपने फिंगर्स के टिप की मदद से स्कैल्प में यूज़ कीजिए। स्कैल्प से लेके पूरे हेयर के टिप तक इसे अच्छी तरह से ऑयलिंग कीजिए। आप इसे ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं रख सकते हैं तो आप इसे बात लेने के 1 घंटे पहले लगाइए और फिर शैम्पू कर लीजिए। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आप इसे हफ्ते में 2 या 3 बार यूज़ कीजिए। अगर आपकी हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है तो हफ्ते में इसे 3 बार ज़रूर यूज़ करें। 15 दिन में आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। इसे यूज़ कीजिए और इसे थोड़ा गर्म रहते ही यूज़ कीजिए। इस ऑयल को यूज़ कीजिए और देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप सबको कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए। और अभी तो नया हो तो थोड़ी तो दिक्कत आएगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप देख सकते हैं, मैंने जो फिंगर की टिप से उसको वॉश करके धो, मतलब जब भी आप यूज़ कीजिए अपने हैंड को वॉश कर लीजिए। अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, अब मैं इसे गर्म करके यूज़ करूँगी। आप इसे यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय।